कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी की तरफ से इंटर्नशिप के बारे में, जो कि कम्प्लीटली आप लोगों के लिए है। ये इंटर्नशिप आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है और कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे और किस तरह से आप लोग ये इंटर्नशिप कम्प्लीट करके एक अच्छा स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्राइज मिलने वाला है, उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि वैलिड है आप लोग के लिए और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त रहेगा। इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। टाइम लाइन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसका जो इंटर्नशिप है वो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप लोग इसमें अप्लाई करने की डेट है। अभी ये डेट अभी बाकी है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिट अनाउंसमेंट सेलेक्ट, जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उनके अनाउंसमेंट की डेट जो है 30 अप्रैल है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन जो है 17 मई से लेकर 16 जुलाई तक रहेगी। 6 to 7 वीक्स की इंटर्नशिप होने वाली है। आप लोग जरूर उसमें अप्लाई करें ताकि आप लोग एक अच्छी इंटर्नशिप करके एक अच्छी कंपनी में जाकर जॉब पा सकें, क्योंकि इंटर्नशिप का बेसिक सा मतलब होता है कि आप लोगों को चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए कैसे काम किया जाता है। उसके जरिए अगर आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो तो आप वहीं पर ही कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दूसरी कंपनी में जाकर अपनी पसंद की कंपनी में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बहुत अच्छी, क्योंकि जब आप लोग का एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, तो आपको कोई भी कंपनी हायर करने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि आप नॉलेजेबल बंदे हैं। हर कंपनी चाहती है कि एक अच्छा बंदा, एक अच्छा कैंडिडेट हमें हायर करने को मिल जाए जो हमारी कंपनी के डेटा को, हमारी कंपनी को आगे बढ़ा सके। उसके आप लोग अच्छे से पढ़ें। इश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट आप लोग 16 जुलाई को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी करेगा दोनों को मिल जाएगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग ऑफलाइन करते हैं तो उसमें ऑफलाइन में आप लोग स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिजिटल फॉर्मेट, रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म, हिज आर हर HOD फैकल्टी इंस्टीट्यूट सील, यानी जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई कंप्लीट करी है वहाँ से आप लोग एक लेटर सबमिट करना होगा, जिसके जरिए आप लोग इंटर्नशिप के लिए हायर किया जाएगा। स्टेप सारे स्टेप को फॉलो करना है, अप्लाई कैसे करना है, फैकल्टी प्रोफाइल, देयर रिसर्च एरियाज कैन बी फाउंड हेयर, अपने फाउंड कर सकते हैं किस कौन कौन इसमें किस किस रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहता है। और दूसरी बात, इसमें बेस्ट फैकल्टी आप लोग को रिसर्चर जो होते हैं वो लोग पढ़ाएंगे, वो लोग बताएंगे किस तरह से आप लोग इंटर्नशिप कंप्लीट कराएंगे और अच्छी नॉलेज भी दिलाएंगे। तो आप लोग अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई करके फाइनेंशियल असिस्टेंट सेलेक्ट जो भी इसमें सेलेक्ट होंगे आप लोग स्टेप पर दिख जाएंगे। और उसके बाद जब आप लोग अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का होम पर जाएंगे। वापस जाने के बाद यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड पर करने के लिए आप लोग यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, पहले से बना हुआ है, अगर नहीं बनाए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड रिपीट पासवर्ड कर लेंगे और यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। वो भी देख लेंगे किस तरह करना है। पासवर्ड डालेंगे, रजिस्टर पर क्लिक कर लें। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को ऐसे कंप्लीट फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, जिसको आप लोग को अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद प्रोफाइल क्रिएटेड द रजिस्टर्ड आईडी आप लोग इसको जरूर लिख लें, ताकि आप लोग जब इसमें दोबारा लॉग इन करें तो आपको सारी चीज़ दिख सके। ओके पर क्लिक कर लें। इसके बाद आप लोग दोबारा इसको लॉग इन करेंगे यहाँ पर आने के बाद। लॉगिन पर क्लिक कर ले तो आप लोग को सारी चीज़ दिखाई जाएंगी, इस तरह से कैसे आप लोग अप्लाई करना है। आप लोग इसमें एक मेल आएगा पहले नंबर पर, ध्यान रखें मेल जब आप लोग कंफर्म कर देंगे उसके बाद ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी मेल आईडी पर चले जाएँ, उससे पहले वहाँ पर देख लें किस तरह से आप लोग को उसमें कन्फर्म करना है, ताकि ये बिल्कुल मैं कि आपने दूसरी की मेल डाल दी वहाँ पर कन्फर्म चलेगी। सही मेल डालें और इसको अप्लाई करें आप लोग। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आप लोग एक अच्छा इंटर्नशिप कर सकते हैं और एक अच्छा स्टार्ट भी पा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग की तरह और भी लोगों की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।